देखने में ही लग रही ना बिल्कुल लाजवाब होटल ढाबा वाली मटर पनीर की सब्जी। हम अक्सर सोचते रहते कि होटल और ढाबे वाले ऐसे क्या सीक्रेट है, ऐसे कैसे बनाते हैं जो उनकी सब्जी बिल्कुल रिच और गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी होती है। आज की स्पेशल लंच थाली में पनीर की सब्जी बनाई है और ढेर सारे आपको वीडियो मेरे पूरी दिनचर्या देखने को मिलेगी। और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप मिस कर दोगे। हे गाइस, मैं हूँ शीला। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग कुकिंग विद शीला चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से, तो सबको गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, उठ के मैं आ गई हूँ और मैं थोड़ा सा पहले करूँगी वॉक। तो मैं वॉक के लिए मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, छत पे ही जाऊँगी थोड़ी देर के लिए वॉक करूँगी। और सुबह सुबह थोड़ा सा मतलब वॉक कर लो, या फिर फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करनी ही चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, मुझे लेट हो गया, तो एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं करेंगे, वो मैं शाम के टाइम कर लूँगी। अभी यहाँ पे मैं छत पे आ गई और हाँ ना, इस समय बारिश भी हुई थी तो थोड़ा सा छत भी गंदा है, तो आज तो मैं सफाई करूँगी क्योंकि इस समय मेरी थोड़ा सा तबीयत नहीं सही चल रही है। और फिर किसी दिन छत की सफाई भी मुझे करनी है, तो देखते हैं। बस थोड़ा सा वॉक करके उसके बाद बच्चों को बनाना है टिफिन। और सुबह सुबह का ना जो है ऊपर छत पे आ जाओ, यहाँ पे मुझे ग्रीन ग्रीन हरियाली दिखती है और सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश हवा मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन सब्जियाँ कट कर ली और पनीर रोल बनाने जा रही हूँ बच्चों को। तो कढ़ाई पर तेल मैंने रख दिया है और यहाँ पर प्याज जीरा ये सब छोड़ के सब्जियाँ डाल देंगे, मतलब पका करके। तो सब्जियों में आपकी ग्रीन सब्जियाँ जो भी मैंने गाजर और शिमला मिर्च लिया हुआ है, हरी मटर लिया हुआ है। तो क्या कर हुआ था ना, बच्चों को हो रहा था लेट, तो मैं इतना तो रिकॉर्ड की, उसके बाद क्या किया मेरे को लगा कि नहीं अब रिकॉर्डिंग पे टाइम लगेगा, क्योंकि कैमरा तो है नहीं कि आप लगा के छोड़ दो रिकॉर्ड होता रहेगा। फ़ोन से करना तो ऑब्वियसली टाइम लगता है, इधर उधर करना। फिर मैंने मेरे फ़ोन को उठा कर रख दिया साइड में और फटाफट रोल बना के बच्चों को टिफिन पैक करके दे दिया। उसके बाद मैंने काम फिनिश करके अभी सीधा मिल रहे हैं आपको, हम लंच बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल लिया और पनीर लिया। आज पनीर बनाएंगे बिल्कुल जैसे आप होटल या ढाबा और या फिर शादियों में खाते हो ना, उसके छोटे छोटे सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बिल्कुल वैसी पनीर आपके साथ आज हम बनाएंगे, वहाँ बिल्कुल रिच गाढ़ी टेस्टी सी होती है। हम भी का पहले सोचते थे कि मतलब एक कैसे क्या ऐसा डालते हैं जो इतनी गाढ़ी इनकी ग्रेवी होती, इतनी टेस्टी भी साथ में होती है। तो आज पूरे सीक्रेट, तो वहाँ पर मैंने पनीर फ्राई करके निकाले और ये कुछ मसाले हैं, तो इसमें जीरा है और इसमें जो आपको साबुत मसाले हल्का सा क्रश किए हुए दिख रहे हैं, तो उसमें सारे हरी मतलब छोटी इलायची से लेकर सारे साबुत मसाले हमने फ्राई नहीं किए, क्रश कर लिया। साथ में कस्तूरी मेथी सीधे तेल में ऐड कर देंगे, हल्का सा पकाएंगे, गैस का फ्लेम लो रहेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज लिया, प्याज को बहुत ही बारीक मैंने नहीं पीसा है, मोटा मोटा पीस के इसको भी पकाएंगे। और हाँ, थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाएगा इसमें, वैसे मैं इतना तेल नहीं डालती हूँ, पर इस पनीर में थोड़ा सा तेल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन पका लिया और ये कुछ मसाले हैं, तो ये जो मसाला दिख रहा है ना आपको एक साथ, इसमें सांभर मसाला, छोला मसाला और पाव भाजी मसाला मिक्स है। साथ में मैंने गरम मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सारे मसाले ले लिए हैं, इनको डाल के पका लेंगे। और ये मैंने लिया है दही, तो दही बिल्कुल गाढ़ा पानी निकाला हुआ मैंने डाला है। और साथ में डाल देंगे एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इनको हम मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक ये मसाले भी तेल ना छोड़ने लगे। साथ में मैंने जीरा पाउडर भी मसालों में लिया था और अभी मैंने नमक नहीं ऐड किया है, तो नमक पहले नहीं ऐड करना है। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पकाते ही रहेंगे। मैंने जिस कटोरी से दही लिया था उसी से थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और अच्छे से पकाएंगे तेल छोड़ने तक। उसके लिए हम ढक देंगे और ढक के ये देखिए मसाला कितना अच्छा पककर तैयार हुआ है। और अभी भी ये कम्प्लीट नहीं हुआ, बहुत छोटे छोटे सीक्रेट अभी इसके बाकी है, तो वीडियो बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाला दो साबुत मिर्च बीच से स्लाइस करके और एक चम्मच भर के डाला है फ्रेश मलाई, जो घर की मलाई होती है, इसकी जगह आप क्रीम भी ले सकते हो अमूल की। और इनको भी एक से दो मिनट पकाएंगे। उसके बाद अभी इसमें जाएगा
दो चम्मच मैं टमाटो केचप डाल रही हूँ यहाँ पे। टमाटो सॉस, टमाटो केचप आप कुछ भी डाल सकते हो। तो जो टेबल स्पून होते हैं, दो टेबल स्पून भर के करीब मैंने यहाँ आइडिया से डाल दिया है। और ये ना आपके सारे मसालों को बैलेंस करेगा, ये ऐसा नहीं कि मीठी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, दो चम्मच से कुछ भी नहीं होने वाला है। पर एक टेस्ट जो इसका उभर के आता है, और ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एक कटोरी भर के दूध। तो आप लोग सोच रहे होंगे मटर पनीर में दूध, तो ज़रूर डाल के देखिएगा, देखिएगा आप, मतलब सारे तरीके आप भूल जाएंगे मटर पनीर बनाने के। एक बार अगर इस पनीर को आपने इस तरह से बना के खाया ना, तो मतलब घर वाले भी बोलोगे नहीं सेम वैसा ही पनीर बनाना है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे मैंने डाल दिया है मटर, तो ये मटर क्लोजर मटर है, मैंने जो स्टोर किया था ठंडियों में वही मटर मेरी अभी भी चल रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोर किया था। वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वीडियो आप चेक कर लेना है मटर कैसे स्टोर करते हैं। और उसको डाल के अभी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पानी अपने, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है अभी, क्योंकि इसको ग्रेवी को हमको अभी और पकाना है, तो इसलिए इसमें पानी डालना। और मैं मतलब ग्रेवी वाला पनीर बना रही हूँ मटर पनीर, तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी जाएगी। आप अपनी गाढ़ी ग्रेवी या मतलब पतली ग्रेवी की जैसी पसंद करते हो, वैसे मटर पनीर थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। फिर हम बना रहे हैं बिल्कुल होटल जैसा। तो यहाँ पर मैंने अभी नमक डाल दिया और इसको बॉईल आने के लिए रख देंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे जो पनीर हमने फ्राई करके रखे थे। और हाँ, इस पनीर को आपको ऐसे नहीं रखना, इसको आप नमक और गुनगुने पानी में डाल के रखना, मतलब गुनगुने पानी में नमक डाल के उसी पानी में पनीर डाल के रख देना, तो आपका पनीर बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा, नहीं हार्ड हो जाता है। उसके बाद इसको मैं पका लिया हूँ थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट। जब अच्छी सी इसकी ग्रेवी गाढ़ी होने लगे, देखो बिल्कुल होटल जैसा टेक्चर आने लगा, तो इसको पका लिया है। और नमक भी मैंने ऐड किया था। और यहाँ पर अभी हम डाल देंगे गरम मसाला। तो देखिए ना, बिल्कुल पनीर बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, हमने थोड़ा सा इसको रखा और ये हल्का सा ठंडा होने के बाद देखिए कितना जो है ग्रेवी इसकी कितनी रिच हो गई, बिल्कुल होटल जैसी आपको लग रहा है ना, खाने में बिल्कुल सेम टेस्ट था जैसे हम ढाबा और होटल शादियों में खाते हैं, सेम वैसा ही टेस्ट आएगा। वैसे ही आपको गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी और मतलब सारा कुछ वैसे ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की थाली सर्व, साथ में मैंने चावल, रोटी, पापड़ और रायता से कंप्लीट किया है आज का अपना लंच, और साथ में साइलेट भी है। तो मेरा पनीर कैसा लगा जरूर ट्राई करना एक बार। उसके बाद मुझे जाना था शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ पे मैं कुछ सूट और साड़ियाँ वगैरह देखने लगी थी। मेरे को लेना था सूट, पर मेरे को भी पसंद नहीं आए साड़ियाँ, तो लिया नहीं। हालांकि मैंने यहाँ पे देख के मैं फिर वापस आ गई थी और जो काम मुझे करने थे वो कर ले। हाँ, पर साड़ियाँ सुंदर सुंदर हल्के हल्के दिखा रहे थे, पर मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, फिर मेरे को थोड़ा सा समझ में कम आया तो मैंने नहीं लिया है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और करेंगे, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें मेरे वीडियो, आप लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं, वीडियो फुल वॉच करें और शेयर करें। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।